चैनल। मैं हूँ अंकिता पाठक और आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आई हूँ। और इस वीडियो को आने में हो गया था थोड़ा सा ज्यादा टाइम, बट कोई बात नहीं, अब हम वीडियो को वापस से कंटिन्यू करते हैं। सो आज का जो वीडियो है हमारा बेसिकली है वो एक रेसिपी से रिलेटेड, यानी कि मैंने बनाया है इसमें नॉर्थ स्टाइल यानी कि यूपी का तड़का, और ये है हमारे यहाँ की सलोनी। लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि कल से आने वाला है श्रावण, स्टार्ट होने वाले हैं, और बहुत लोगों का एक टाइम का व्रत होता है, बहुत लोग सिर्फ एक बार खाना खाते हैं, बहुत लोगों का एक महीने का भी व्रत होता है। तो उसी से रिलेटेड मैंने सोचा क्यों नहीं एक छोटा सा बिना प्याज और बिना लहसुन का एक रेसिपी आपके साथ शेयर किया जाए। बेसिकली इस रेसिपी का नाम है सलोनी, और इसे हम खाते हैं यूपी वाले यानी कि नॉर्थ साइड वाले ठंडी में, क्योंकि हमारे गांव में ठंडी बहुत ज्यादा पड़ती है और जो आलू होता है वो हमारी बॉडी को थोड़ी गर्माहट देता है, यानी कि थोड़ा सा हीट वाला काम करता है। तो वहां पे इसको बनाया जाता है, तब उसमें बहुत सारी धनिया होती है और उसमें लहसुन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो होता है। तो मैंने लहसुन को बाजू में रखते हुए इसको बनाया है उपवास से रिलेटेड। तो आइए अब हम वीडियो को शुरू करते, ज्यादा लेट नहीं करते, लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर मैंने मोटे मोटे आलू को कट कर लिया, यानी कि एक आलू को सिर्फ चार पीस दिया हुआ है। ज़्यादा अगर आपने पतला किया आलू को तो ये इसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। और नेक्स्ट यहाँ पर मैंने धनिया ले ली है खूब सारी, क्योंकि इसमें धनिया का टेस्ट कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है, तो धनिया आप डालिएगा इसमें। और नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ले लिया है 5 से 6 हरी मिर्ची और एक बड़ा अदरक। और अब यहाँ पे मैं हीट कर रही हूँ अपनी कढ़ाई को, आप इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच ऑयल के और या फिर घी के। और मैंने इसमें ऐड किया है घी क्योंकि मैं इसे बना रही थी फास्टिंग के लिए। सो अब यहाँ पे हम घी को हल्का हल्का गर्म होने देंगे, और स्टील की कढ़ाई का मुझे थोड़ा ध्यान रखना होता है क्योंकि चीज़ें बहुत जल्दी इसमें नीचे लगने लग जाती है, तो मैं अपने फ्लेम को स्लो ही रखती हूँ। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी अपने चॉप किए हुए जितने भी पोटैटोज थे वो, और आप देखेंगे वो कितना अच्छा लग रहा है। अगर आपने जहाँ इसे बारीक किया इसका टेस्ट वहीं ख़त्म हो जाएगा। अब मैं इसे हल्के हल्के तरीके से मैं चला दे रही हूँ। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए 5 से 7 मिनट के लिए इसे हम ढक देंगे, ये बहुत जल्दी हो जाता है। अब मैं इसे चेक कर रही हूँ कि हमारा आलू कितना हो गया है, तो हल्का हल्का ये ब्राउन हो चुका है। इसे हम फिर चला लेंगे, जलने नहीं देंगे नीचे से। और अब मैं इसे फिर से एक बार ढक दूंगी, और अब मैं फिर इसे चेक कर रही हूँ कि आलू मेरा कितना हो गया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आलू है वो ब्राउन हो चुका है अच्छी तरीके से। आप इसमें बहुत जल्दी ऐड नहीं करेंगे सॉल्ट, क्योंकि हमें थोड़ा सा इसे और ब्राउन करना है हल्का सा। मैंने फिर इसे ढक दिया और मैं फिर इसे चेक कर रही हूँ। अब हमारा जो आलू है ये ऑलमोस्ट पूरी तरीके से हो चुका है यहाँ पे, और हल्का सा नीचे से लग भी गया था क्योंकि मैंने कहा था ये कढ़ाई का थोड़ा सा इशू है। और यहाँ पर मैंने धनिया, हल्का सा जीरा, मिर्ची, अदरक, ये सारी चीज़ों को मैंने ग्राइंड कर लिया है और मैंने इसमें से ऐड कर दिया है थोड़ा सा हल्का सा पानी। आप धनिया में डालकर पीसेंगे हल्का सा, ज़्यादा नहीं। अब बस अब इसे हमें चला लेना है अच्छी तरीके से। और यहाँ पे अब आप देखेंगे कि यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून सॉल्ट, और इसे हम अच्छी तरीके से फिर चला लेंगे। और ये सलोनी जो है ये अब रेडी हो चुकी है ऑलमोस्ट। अब आप इसे रोटी, पराठा, राइस किसी के भी साथ खा सकते हैं, ये बहुत अमेजिंग लगता है। और जब इसकी खुशबू आती है घर में तो ऐसा लगता है बस अब जल्दी मिल जाए और हम इसे खा लें। एक बार इसे हम हल्का सा कवर कर लेंगे, और आप देख सकते हैं ये जो स्टीम ऊपर निकल रही है ना, इसकी एक अलग ही खुशबू पूरे घर में आती है। और विंटर रेनी सीजन में तो ऐसा लगता है बस अब मिले और हम खा लें इसे। इसमें हम विंटर में ऐड करते हैं मटर,
सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिल्कुल शेयर करना मत भूलिएगा, बिकॉज आपको पता है कि अब हमारे उपवास स्टार्ट होने वाले और हम बहुत जल्दी उपवास में बोर हो जाते हैं कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ये सब नहीं करना है। तो ऐसे कुछ ना कुछ नए नए जो रेसिपी वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी बहुत ही जल्दी जल्दी। अब पहले की तरह वापस कंटिन्यू होना है मुझे फिर से, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। गाइज आपने मुझे बहुत ज्यादा प्यार दिया पिछले 1 मंथ में, तो प्लीज इसे कंटिन्यू रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।